जमशेदपुर के सोनारी निर्मल बस्ती और रूपनगर बस्ती के बीच चौक पर मंगलवार की रात रोहित पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी इस मौत के बाद पुलिस ने रोशन कुमार महतो और विश्वनाथ गोराई को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे कांड में अब तक के अनुसंधान में यह बातें सामने आई है कि रोहित पासवान के साथ सीआर घायल गुड्डू गोस्वामी समेत अन्य लोग थे। बताया जाता है कि रोशन पासवान अपने दल बल के साथ अपने समानांतर आपराधिक गिरोह चलाने वाले शिवू सिंह सरदार को मारने के लिए उसके घर गया था। उन लोगों ने शिवू को ही मारने की कोशिश की, लेकिन शिवू ने अपने गिरोह के लोगों को उसी समय बुला लिया और उल्टा उन लोगों को ही घेर लिया। और फिर सारे लोग जब भागने लगे तो रोहित पासवान पकड़ा गया और रोहित को पहले पत्थरों से कुचल दिया गया और फिर उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान शिवू के अलावा कई और लोग मौजूद थे जिनके नाम सामने आए हैं। इसी बीच उक्त महिला जिसको रात में हथेली में गोली लगी थी, उसकी पहचान शिवू सिंह के ही परिजन के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गोलीबारी में ही उक्त महिला को भी गोली लगी थी, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला है कि हम लोग देखे कि जब वो पार होने लगा गाड़ी से, तो हम लोग वहाँ पर देखे कि वहाँ पर तीन चार लड़का हमला कर दिया, गोली फायरिंग तुरंत कर दिया वहाँ पर ही। हम लोग अलग से पार्टी, बर्थडे पार्टी से हम लोग निकल चुके थे। जब हम लोग पता चला कि वहाँ पर रोक लिया है रोहित को, तो हम लोग फिर जब उनका मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया, जब हम लोग वापस आए तब तक देख रहा था दो तीन लड़का वहाँ पर पत्थर को चल रहा था। खोड़ू था, करण दत्ता था, विशाल दत्ता था, ये लोग सब पत्थर को चल रहा था और सब हम लोग सब भाग गया लोग फिर वहाँ से तुरंत। जब हम लोग पुलिस प्रशासन को बोले कि इसको उठा के लेके ट्रेन में जाइए, तो लोग पुलिस प्रशासन उठा के नहीं लेके गया। आप रोहित का फादर को भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर दो तीन जन था, सब भाग गया था वहाँ से। हम लोग जब बोले, उसका थोड़ा देर का बाद आया पुलिस प्रशासन, तब वो लोग लेके आया टीएम एच। ईटा पत्थर से मारा, फायरिंग भी किया वाला। हम लोग डर से हम लोग दूर तक भागे, फिर उसके बाद फिर फायरिंग भी किया। उसका हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे, बर्थडे पार्टी से घर जा रहे थे। किसका बर्थडे पार्टी था? रोहित सिंह का बर्थडे पार्टी था, उलियान। हाँ, हम लोग सब घर जा रहे थे। रोहित अकेले था, एक दो जन साथ में था, एक जन का गुड्डू गोस्वामी के साथ में था। वो तो डेट कर गया ना, इसीलिए नहीं हम लोग पूछ नहीं पाए ना। नाम लिया था किसी से कोई? वो तो हम लोग का शुरू से बिलास बस्ती और रूपनगर से दुश्मनी आ रहा है, वो लोग रोक के मारने लगा, फायरिंग वायरिंग करने लगा। गुड्डू ने, गुड्डू तो हम लोग बस्ती का, करण, विशाल दत्ता, ये लोग खेड़ू, ये लोग सब, ये लोग सब, वो लोग रोक के हम लोग जब रिटर्न आने लगे ना, तो गोली वोली चलाने लगा हम लोग। तो फिर रिटर्न आए तब तक वो लोग भाग गया। तब तक हम लोग पुलिस प्रशासन जब गाड़ी लगा वहाँ पर ही फोन किए, जब कारू पासवान फोन किया तब वहाँ पर प्रशासन का गाड़ी लगा, वो लोग को बोले कि टीएमएच लेके चलने, वो लोग चल गया कि बोले अपराधी खोजना, वो लोग निकल गया। आधा घंटा के बाद प्रशासन आया तब लेके आया। वो लोग तो पिस्तौल उस्तौल का साथ में भी था और ईटा से भी पैदल था, पैदल और गाड़ी में भी था वो लोग। हाँ, गाड़ी में लगभग छः सात जन था वो लोग, वही रूपनगर में। रविदास का है वो लोग? हाँ, रविदास। अब उस समय तो हम स्पोर्ट में नहीं थे डायरेक्ट। गुड्डू, गुड्डू कहाँ होगा? घर में, उसका आवाज तो फोन नहीं है, नहीं तो फोन करके तो बुला ही देते। अच्छा, और कोई लोग नहीं भागे? नहीं, वो लोग तो नहीं होगा। हाँ, इसके साथ रोहित के साथ और कोई लोग थे? नहीं, ये दो ही जन थे, एक बार एक बाइक में दो ही जन ना होगा सर। कौन कौन था? वो और गुड्डू। रोहित, हाँ, गुड्डू भाग गया। गुड्डू अब जान बचाने के लिए तो भागेगा ही सर, सब कोई ना कोई। ठीक है, कितना? मेरा नाम राज सिंह हुआ। अब जैसे केचा हम लोग तो देखे नहीं आग से स्पोर्ट में, लेकिन वहाँ ईटा पत्थर से केचा हम लोग दो तीन जन का शकल तो देखे। अच्छा, हैं अब ये तो नहीं पता सर, वहाँ पर तो सब चीज बोले रहे, वहाँ खुद हल्ला। हम लोग आधा घंटा रुके होते, प्रशासन गाड़ी खुद भाग गया था वहाँ पर ही। अच्छा। वहाँ डायरेक्ट बोल रहे कि आ रहे, हम लोग अपराधी को पकड़ के आ रहे आ रहे। वहाँ पर हॉस्पिटल तक नहीं लेके आए हम लोग, ऑटो का इंतजार कर रहे थे, ऑटो नहीं मिल रहा है। कौन, किनकी हत्या हुई है और किन लोगों की नाम आई? अभी नाम किसी का नहीं है, जांच चल रही है। रोहित पासवान को लगा है चोट, वही अभी पड़ा हुआ है, अभी ये क्लियर नहीं है कि किसमें लगा है उसको। लेकिन मौत हो गई है? हाँ, डॉक्टर बता रहा है कि डेथ हो गई है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे ये? ये निर्मल नगर के रहने वाले थे। अच्छा, कुछ जानकारी और पता चल पाई है? नहीं नहीं, अभी कुछ विशेष जानकारी नहीं है। जैसे कहाँ पे हुआ? रूपनगर के पास जो बैरंग वाली मंदिर है ना, वहीं पर अभी सुनने में आ रहा है। अभी यहाँ पर हम आए हुए हैं, चेक कर रहे हैं क्या है क्या नहीं, स्थिति सबको पूछताछ कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं घर वाले, उस पर आप लोग बता दिया जाएगा। अभी जाँच चल रही है।